सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शरीर पर मौजूद हर तिल का एक खास मतलब होता है। सामुद्रिक शास्त्र में इस बात पर काफी महत्व दिया गया है कि तिल शरीर के किस अंग पर होता है, किस अंग पर होना चाहिए। ये कई लोगों के लिए दुर्भाग्य लाता है तो कईयों के भाग्य भी जगा देता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के अलग अलग अंगों पर तिल होने का मतलब क्या होता है। माथे पर तिल होना यह आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है। जिन महिलाओं के माथे पर तिल होता है वे अपनी मेहनत और क्षमता से अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूती हैं। ऐसी महिलाएं अपने रास्ते खुद बनाती हैं। इनकी सफलता में उनके परिवार वालों का हाथ नहीं होता। ये महिलाएं अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत से खुद को साबित करती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। भौहों पर तिल होना यदि किसी महिला की आंखों के ऊपर भौहों के बीच में तिल होता है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही लकी और सौभाग्यशाली हैं। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत सारे सौभाग्य और समृद्धि का आनंद उठाती हैं। उनका विवाह आमतौर पर संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में होता है और वे अपने जीवन में रानी की तरह राज करती हैं। दाई या बाई भौहों पर तिल होना जिन महिलाओं के दाई या फिर बाई भौहों पर तिल होता है ये बहुत नाम और पैसा कमाती हैं। लेकिन इनके साथ बस एक समस्या है कि ये स्वभाव से बहुत खर्चीली होती हैं और कमाया हुआ सारा धन एक झटके में खर्च कर देती हैं। आंखों की पुतली पर तिल होना अगर आंख की दाई और फिर बाई पुतली पर तिल है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही शांत और बुद्धिमान होती हैं। इन पर उनके आसपास के लोग भी काफी विश्वास करते हैं और बड़ी बात यह है कि इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती और इनका विवाह भी संपन्न परिवार में हो जाता है। उन्हें हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार। कान पर तिल होना महिलाओं के कान पे तिल होने का बहुत ही दुर्लभ महत्व है। ऐसी महिलाएं बहुत कम होती हैं लेकिन बहुत लकी होती हैं। ये बुद्धिमान होने के साथ ही किसी भी मामले में तुरंत फैसले लेती हैं। अगर किसी महिला के दोनों कान पर तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करती हैं। सिर्फ बाएं कान पर तिल का होना उनकी सफल शादी की ओर इशारा करता है। गाल पर तिल होना जिन महिलाओं के गाल पर तिल होता है ये उनकी सुंदरता को बढ़ाता है और उनकी किस्मत में चार चांद लगाता है। ऐसी महिलाओं की फैन फॉलोइंग जबरदस्त होती है। ये महिलाएं दूसरों से बड़ी आसानी से अपना काम निकलवा लेती हैं। हालांकि इनके अंदर एक कमी ये भी होती है कि ये दूसरों के बारे में बहुत गॉसिप करती हैं। होठों पर तिल होना जिन महिलाओं के होठों पर तिल होता है वो आकर्षण का केंद्र बनती हैं और बहुत कामुक मानी जाती हैं। पुरुषों के बीच में ऐसी महिलाओं को काफी पसंद किया जाता है। जिन महिलाओं के नीचे वाले होठ में तिल होता है वो बहुत ही मेहनती होती हैं और इन्हें इनकी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलता है। ये अपने सभी प्रयासों में सफल होती हैं। गर्दन पर तिल होना गर्दन पर तिल वाली महिलाएं बहुत ही धैर्यवान होती हैं और जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़कर अपना एक मुकाम बना लेती हैं। इन्हें बहुत चतुर माना जाता है। ऐसी महिलाएं लाइफ पार्टनर भी बहुत समझदार और होशियार चुनती हैं। कंधे पर तिल होना जिनके कंधे पर तिल होता है उन्हें जीवन में सभी प्रकार के ऐशोराम मिलते हैं। ऐसी महिलाएं वाणी की मधुर और संयमी होती हैं। ये ऐसे जीवन साथी को चुनती हैं जो देखने में भी खास और अक्ल में भी खास हो। वहीं पर अगर जिन महिलाओं के गुप्तांगों पर तिल होता है तो ये महिला अपने साथी के प्रति वफादार होंगी और जीवन भर के लिए एक ही साथी को पसंद करेंगी। वहीं ये तिल ये भी दर्शाता है कि ऐसी महिलाएं कई प्रेम संबंधों में शामिल हो सकती हैं और इनकी यौन इच्छा भी काफी प्रबल हो सकती है। ये दोनों परिस्थितियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि तिल की स्थिति क्या है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।